साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल में। साथियों, मैं फिर से रेलवे NTPC क्लास नंबर 6 लेकर आया हूँ, जिससे मैंने 5 क्लास पहले ही करा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, तथा वो लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GK गुरुकुल। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, सेट नंबर 17। सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। किसका न्यायपालिका का उल्लेख है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे वी कृपलानी थे। कौन था? जे.वी. कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। अगला क्वेश्चन, 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश तथा झारखंड का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक तस्लीमा नरसिम कौन था? तस्लीमा नरसिम थे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, गवर्नर द्वारा जारी किया गया उपादेश राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया उपादेश सॉरी अध्यादेश गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, थुम्बा केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1965 में की गई थी। केरल थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य पर आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। कैसी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। जो साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 18। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में राकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पलित पर्वत के उदाहरण हैं। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में राकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज बलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंगा वंश के शासक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बेंगलोर में कर्नाटक में किया था। कहाँ पर किया था? कर्नाटक में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था।
नहीं है, स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2020 में बीएड के एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो साथियों इसे इम्पोर्टेंट करके लिख ले कि राष्ट्रपति पद जो शपथ भारत में के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति हमारे शपथ लेते हैं वह किसके थ्रू किसके अंडर में वहाँ पे कौन कौन उपस्थित, तो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं जो वहाँ पे उपस्थित रहते हैं वो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों के अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा, क्या था अयोग्य ठहराया जाएगा। लोकसभा सदन से 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर हमारा संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग का चक्र यूरोप, पीला रंग का चक्र एशिया तथा लाल चक्र का अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, फिर से एक बार, ओलंपिक खेलों के जो होता है नीला रंग का चक्र वो यूरोप का, पीला रंग का चक्र एशिया, लाल चक्र अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है कोलेजन रेखा सफ़ेद होता है, कोलेजन रेखा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 19 में पहला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है, हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं, कौन सी जनजाति? लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं। मक्का सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन हमारा द प्रोफेट के लेखक कहलील गिब्रन कौन? कहलील गिब्रन हैं, द प्रोफेट के लेखक कहलील गिब्रन हैं। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी झील जो है फ्लोरिडा, कहाँ पे? फ्लोरिडा में स्थित है, कहाँ पे स्थित है साथियों? फ्लोरिडा में स्थित है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है, नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है, शेरे पंजाब जो लाला लाजपत राय का उपनाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, रूसी क्रांति के जनक B.I. लेनिन कौन? B.I. लेनिन थे रूसी क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आज़ाद हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आज़ाद हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, क्या? जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, वॉशिंग सोडा को भी सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, कालिदास शिव के उपासक थे, कालिदास जो थे शिव के क्या थे? भक्त थे, वह शिव के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, मिश्र की राजधानी काहिरा है, मिश्र की राजधानी कहाँ पे है?
काहिरा है। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है, जिन्होंने राजा भोज ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, बटनेर का किला हनुमानगढ़ कहाँ पे? हनुमानगढ़ में स्थित है। बटनेर का जो किला है वो कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। तो साथियों चलते हैं हमारे अगले सेट की तरफ, सेट नंबर 20। साथियों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वो लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपडेट करूं तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं साथियों हमारे अगले सेट की तरफ, सेट नंबर 20। साथियों चलते हैं अगले सेट की तरफ, सेट नंबर 20। सेट नंबर 20 का आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अजंता की चित्रकारी जातक को निरूप करता है। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूप करता है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां हैं जो देवप्रयाग में गंगा नदी से मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा ऐसी नदी है जो देवप्रयाग में गंगा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून जब वापस होता है तो वापस के समय वह तमिलनाडु के तट पर वर्षा करते हुए वापस होता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी जो था वो गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी किसका शासक था साथियों? तो वह गजनी का शासक था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, बालू पत्थर टूटी फूटती चट्टान का रूपांतरण है। बालू पत्थर टूटती फूटती चट्टान का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं। एमपी में सबसे अधिक अनुसूचित जातियाँ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का कैसी फसल है साथियों? तो वह खरीफ कैसी फसल है? खरीफ फसल है। मक्का कैसी फसल है? खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों, पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितनी है? 3400 किलोमीटर, मतलब 3400 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो क्रोड की त्रिज्या है वह 3400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें कैसी किरणें? अल्ट्रावायलेट किरणें को ओजोन गैस अवशोषित करता है। सूर्य से आने वाली जो हमारी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, वह ओजोन गैस को अवशोषित करता है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो क्या करती है? हमारे ओजोन गैस को अवशोषित करती है। असम का पुराना नाम कामरूप था। साथियों असम में सबसे ज़्यादा हमारे चाय की खेती होती है। असम में सबसे ज़्यादा क्या होती है? हमारे यहाँ चाय की खेती होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की जो घाटी है वह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे है? ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे है? ब्यूनस आयर्स है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश लेबनान की राजधानी कहाँ पे? बेरूत। कहाँ पे है साथियों? बेरूत में है। अफ्रीका देश लेबनान की राजधानी कहाँ पे है? बेरूत में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथी, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जिप्सम उत्पाद में अग्रणी का राज्य राजस्थान है। मतलब जिप्सम उत्पादक जो है उसका अग्रणी राज्य जो है राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में है। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख
कुद्रेमुख कर्नाटक लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं? भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाए जाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा सिक्किम की प्रमुख जातियाँ लेपचा एवं भोटिया हैं। सिक्किम की जो हमारी प्रमुख जातियाँ क्या कौन कौन सी है? लेपचा एवं भोटिया हैं। साथियों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन, इसराइल की पार्लियामेंट निसेट कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? निसेट। इसराइल की पार्लियामेंट क्या कहलाती है? निसेट। क्या कहलाती है साथियों? निसेट। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो एक बार से लाइक करेंगे, तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, तथा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों हाँ, एक आपके लिए एक खुशखबरी है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं रीजनिंग लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।